बाबा साहब उस महामानव का नाम है जो हमको इस भारत में पानी पीने का अधिकार दिलाया। इस भारत वर्ष में ही हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यहाँ सुअर पानी पी सकते थे, पक्षी पानी पी सकते थे, कुत्ता पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि गधा भी जाके उसमें पानी पी ले सकते थे। लेकिन हम भारत के शुद्ध समाज के लोग, दलित पिछड़ा अकलियत के लोग उस पानी को नहीं छू सकते थे। हमारे पानी छू देने मात्र से पूरा तालाब अपवित्र हो जाता। ऐसे भारत की हम सब की बात, जहाँ पे हमारी माँ बहनों को अपना बदन ढकने का अधिकार नहीं। माँ बहन अगर बदन ढक लेती तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इसी भारत में हम सब लोगों को पढ़ने का तो सदियों से अधिकार नहीं था। यहां तक शास्त्र में लिखा गया है कि यदि शुद्ध शीशा पिघला के डाल दिया जाए, यदि वो ब्राह्मण से जुआल लड़ा ले, मुंह लड़ा ले, तो उसके जीभा काट दिए जाते हैं। और यदि वो गलती से किसी के साथ में व्यभिचार कर ले तो उसके लिंग काट दिए जाते हैं। ये था भारत का हमारा समाज। सदियों से हमारी माँ बहनों का शोषण उत्पीड़न होता था, हमारे भाइयों का शोषण उत्पीड़न होता था। लेकिन भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहने के बावजूद भी किसी का नजर हम पर नहीं पड़ा था, किसी ने हमको पानी पीने का अधिकार नहीं दिलाने का काम किया, किसी ने हमको हमारी रोज तार तार हो रही इज्जत को बचाने का काम नहीं किया। लेकिन इस सब गुलामी की जंजीर को किसी ने अगर काटने का काम किया तो उस लोहार का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। आज हम साफ साफ बात करना चाहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि कोई विधायक साफ साफ बात नहीं करता, घुमा फिरा के बात। आज बच्चे पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचे हैं, आज जय भीम का मतलब समझ पा रहे हैं कि जय भीम का मतलब क्या होता है। जय भीम का मतलब गुलामी के खिलाफ एक आवाज है। जय भीम का मतलब गैर बराबरी के खिलाफ एक आवाज है। जय भीम का मतलब छुआछूत के खिलाफ एक आवाज है। जय भीम का मतलब ऊंच नीच के खिलाफ एक आवाज है। जय भीम का मतलब जहां भी भेदभाव होता है वह एक मजबूत आवाज है। जय भीम का मतलब समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, स्वतंत्रता पर आधारित समाज जहाँ पर है वही है जय भीम बोला जाता है। हम उसकी वकालत करते मूल चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हम जय भीम बोले। आज इकट्ठा है इस पिपरा, पिपरा एक ऐतिहासिक जगह है। इस पिपरा गांव ने मखदुमपुर विधानसभा को एक विधायक दी थी। अपने से कुछ मदद चाहिए, एकदम ही बात बोलने में कोई लाज शर्म के बात ना है। ठीक है, असत के पढ़ाना है, साफ सुथरा बनाना है और संविधान को बिगड़ना है। इंसाइटी के सामने में झुकना नहीं है, एकदम। आप लोग बुलाते रहिएगा, हम आते रहेंगे रूप में जो है ना। इस कितना में जब भी आप लोगों ने बुलाया हमारे।